नमस्कार आदाब सलाम दोस्तों, मैं आपका दोस्त शाहिद जयपुरी काफ़ी लंबे वक्फे के बाद आपके सामने फिर हाजिर हूँ। रफी साहब की एक नई जानकारी, एक नया किस्सा नहीं दोस्त। आज हम बात करते हैं एक ऐसे गाने की जिसका रिकॉर्ड रिलीज होते ही उसका विरोध हो। अब ये जानने के लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म गुमनाम, जो कि 1965 में रिलीज हुई और उसका एक मशहूर गाना जो कि महमूद साहब ने और रफ़ी साहब ने गाया, और गाने के बोल थे, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले। गोरे को देख भागते हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं। विरोध का कारण दरअसल ये था कि जो आप गाना सुनते हैं उसके शुरुआती अल्फाज कुछ अलग थे और मुस्लिम समाज से जुड़े हुए थे। तो गुजरात के एक शख्स अब्दुल नाम के एक शख्स ने कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी कि ये जो शब्द है वो मुस्लिम लोगों को आहत करते हैं। कोर्ट ने गाने के बोल सुने और कोर्ट ने फिल्म से संबंधित सभी व्यक्तियों को, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर, सबको इस गाने की लाइनें हटाने के आदेश दिए। गाने की वो लाइनें हटा दी गई, फिल्म से भी हटा दी गई और रिकॉर्ड से भी हटा दी। लेकिन जो रिकॉर्ड रिलीज हो चुके थे उन पर आज भी वो लफ्ज़ मौजूद हैं, उन जो जिसके ऊपर ये विरोध हुआ। तो वो लाइन सुनने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और अब सुनिए कि आखिर वो कौन से लफ्ज़ थे जिसके कारण इस गाने का विरोध हुआ। ये थे वो शब्द, जय हंगामा का भाग रही तुम्हें, या रसूलिल्लाह काले से डर गए क्या, हमें या रसूलिल्लाह काले से डर गए क्या, हमें। आप देख रहे हैं शाहिद जयपुरी चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।